Hello and welcome to Road Tales, where travel is life. So you are eating this butter chicken and naans. This is your favorite thing in Indian cuisine? Yeah, I didn't come here for European food. Okay, you don't. I came here for Indian. Oh, yeah. कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिवर साइड आप यहाँ बैठते हैं, इट्स वेरी सूदिंग, वेरी रिलैक्सिंग। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं मनाली के मॉल रोड। खास तौर से बात की जाए शॉल्स की, क्योंकि यहाँ पर कुल्लू में है ही हैंडलूम्स का काम, तो शॉल्स की वैरायटी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। मीठे की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। एक शॉप तो ऐसी है जहाँ पर मीठे की पूरी वैरायटी लगा दी गई है। हेलो एंड वेलकम टू रोड टेल्स, वेयर ट्रैवल इज लाइफ। मनाली में जब आप आते हैं तो यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, न्यू मनाली तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ओल्ड मनाली का अपना अलग कल्चर है। स्पेशली बात करें यहाँ जर्मन बेकरीज, यहाँ पर इतने सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट और जर्मन बेकरीज आपको देखने को मिलती है। जैसे हमने आपको नगर, एक जो सिटी है यहाँ पे पास में ही है, जो एक पड़ता है एरिया, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे ओल्ड मनाली भी है जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का आउटकम यहाँ पे देखने को मिलता है और इंटरनेशनल टूरिस्ट काफ़ी सारे हैं यहाँ पर भी। क्योंकि हमने जर्मन बेकरीज की बात करी है तो पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भी आपको कुकीज और होम कुक जितने भी केक्स हैं, बहुत वैरायटी मिलती है। हम यहाँ पर जो है रिवर म्यूजिक रेस्टोरेंट में है, यहाँ पे जर्मन बेकरी है, और अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना तो ओल्ड मनाली में सबसे पहले इन्हीं का रेटिंग आता है, जहाँ पर ये सर्व करते हैं सारे ही प्लेटर। लेकिन जो अगर आप इंग्लिश खाना खाना चाहते हैं, इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेना चाहते हैं, या फिर कुछ पिज़्ज़ास पास्ता जो कॉन्टिनेंटल है, वो सब भी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको सर्व की जाती हैं। और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए यहाँ पर इस रेस्टोरेंट की जो ओनर है जूनी तमांग, वो भी हैं। जूनी, कितना पुराना रेस्टोरेंट है? क्योंकि हमने सर्च किया, सबसे ऊपर आप ही का आया, तो क्या खास आप सर्व करते हो? मैं सर्व करता हूँ जो बेकरी आइटम में और रेस्टोरेंट में आइटम में, दोनों में, दोनों में मेरा है। ये ब्लूबेरी चीज़ केक वगैरह अच्छा है, ब्लूबेरी चीज़ केक एंड ये मड केक वगैरह अच्छा है। और कितना पुराना है आपका? अगर तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से भी ज़्यादा है। 30 ईयर्स से ज़्यादा हो गया? 30 ईयर्स से भी ज़्यादा है, लेकिन मैं खुद ही मैं बैठ रहा हूँ तो 25 ईयर्स लगभग। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं जूनी, तो कई सारा आप बता रहे हैं, गोवा में भी आपका ब्रांच है और वो सारी चीज़ें भी हैं, तो यहाँ पे से इंटरनेशनल टूरिस्ट को ध्यान में भी, क्योंकि आउटकम बहुत है यहाँ पे ना, इंटरनेशनल या नेशनल दोनों है, दोनों काफ़ी ज़्यादा है। मेरे पास से दोनों आता है, इंडियन टूरिस्ट आता है और फॉरनर्स भी आता है, दोनों आते हैं। तो जूनी की ये 30 ईयर्स पुरानी शॉप है, और अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं का रेस्टोरेंट का नाम आता है। सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये है कि अगर आप इस रेस्टोरेंट को देखेंगे, इट्स जस्ट बिसाइड द रिवर, यानी कि आप अगर चाहें तो यहाँ पर रिवर के साथ भी बैठ कर आराम से इस पूरे जो इनकी डेलिकेसीज हैं या फिर जितने भी चीज़ें हैं उनका आप लुत्फ उठा सकते हैं। कई यहाँ पे हमने इंटरनेशनल टूरिस्ट भी देखे जिन्हें यहाँ पे पास्ता या पिज़्ज़ा से मतलब नहीं था, बट दे लव टू ईट बटर चिकन, जो यहाँ का काफ़ी फेमस है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये रिवर साइड के पास में रेस्टोरेंट बना हुआ है, और कई लोग हैं जो यहाँ पर ही आकर इसका लुत्फ काफ़ी ज़्यादा उठाना चाहते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ कहें तो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पिज़्ज़ा पास्ता पसंद नहीं है, बट वॉट दे लव इज बटर चिकन and the garlic naan. So we have Ham with us. Ham, so you are eating this butter chicken and naans. This is your favorite thing in Indian cuisine? I don't know. I really like the paneer stuff, the Punjabi food. Punjabi food, but butter masala, it's very nice. Okay. So especially we talk about the pastas and the pizzas they serve in a very like delicacies there, but you still love the Indian food over here. Yeah, I didn't come here for European food. Okay, you don't. I came here for Indian. Oh, yeah. Fine. So Ham, it's nice meeting you over here. So this is Ham, and you are from? The Netherlands. Netherlands. So Netherlands se Ham aaye hain, lekin yahan par unko European food se zyada, he love the Indian delicacies. Punjabi food specially agar baat ki jaye, wo inki yahan favorite hai. To yahan par is bakery mein aake dekhe, sabse khoobsurat baat jo ye hai na, ki yahan par ye aap dekh rahe hain ki yahan pe river side aap yahan baithte hain, it's very soothing, very relaxing. Jo yahan par kafi zyada aap logo ko yahan pe aate hain to jo ki pani ka sound aata hai, उसके साथ बैठकर यहाँ पर अगर आप अपनी एंजॉय करते हैं अपना मील, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत खूबसूरत लगता है। तो कुल मिलाकर ओल्ड मनाली में ऐसे कई स्पॉट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक स्पॉट्स हैं जो रिवर साइड है, विच इज़ रियली वेरी नाइस, एंड दैट यू कैन कम हियर, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इंजॉय कर सकते हैं ओल्ड मनाली में स्पेशली आके। तो हमने आपको यहाँ की बेस्ट जो रेस्टोरेंट है उसके बारे में बताया है,
तो यू शुड कम डेफिनेटली ओवर हियर. और ओल्ड मनाली को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा, क्योंकि न्यू मनाली में वाकई रहने के लिए बहुत कुछ है, हसल बसल बहुत है, लेकिन ओल्ड मनाली का अपना फ्लेवर है जो यहाँ के आप आके इंजॉय कर सकते हैं. होपफुली आपको ये ओवरव्यू अच्छा लगा होगा. डेफिनेटली हमें बताइएगा ज़रूर जब आप ओल्ड मनाली आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ये ट्राई किया है या नहीं. और अगर प्लान आउट करें तो डेफिनेटली इसका एक बारी ज़रूर आप एक ओवरव्यू लें और हमें बताइएगा कि हमारा रिव्यू आपको पसंद आया कि नहीं. तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं मनाली के मॉल रोड. कहते हैं ना किसी भी हिल स्टेशन की खूबसूरती उसकी मॉल रोड से होती है, और मनाली की मॉल रोड इतनी खूबसूरत है कि शाम होते होते यहाँ पर टूरिस्ट का आउटफॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. जैसे जैसे ठंडी हवाएं चलती हैं, मौसम में ठंडक होती है, तो टूरिस्ट का भी मन करता है कि मनाली की इस मॉल रोड को ज़रूर एक्सप्लोर करें. एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ है, बात चाहे खाने की चीज़ों की करें या फिर परचेजिंग की, तो लोगों को ये अपनी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट करता है क्योंकि शॉप्स की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, बेशुमार शॉप्स हैं. और आपकी हर पसंदीदा चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस मॉल रोड में वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको परचेज करने से रोक नहीं पाती हैं. इसी मॉल रोड में दुर्गा माँ का एक मंदिर भी है जहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और माथा टेक कर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और लोगों की अपनी इस मंदिर में आस्था भी है. तो चलिए थोड़ा सा और आगे आपको लिए चलते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ मनाली के मॉल रोड में आपको मिलते हैं काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ वुलन्स. अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो ग्लव्स से लेके कैप से लेकर वो तमाम चीज़ें हैं जो थोड़ी यूनिक आपको ज़रूर मिलती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो आइटम्स यहाँ पर आते हैं ये कहा जाता है कि थोड़ा तिब्बती मार्केट से भी होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं. खास तौर से बात की जाए शॉल्स की, क्योंकि यहाँ पर कुल्लू में है ही हैंडलूम्स का काम, तो शॉल्स की वैरायटी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर वुडन वर्क का भी काफ़ी सारा काम है, एक पूरी शॉप ही वुडन वर्क के लिए डेडिकेटेड है. चाहे आप बात करें ट्रेस की या फिर डेकोरेटिव्स की या आर्टिफैक्ट्स की, ये तमाम चीज़ें आपको वुडन वर्क से बनी हुई मिलती हैं, तो ये अपने आप में लोगों को थोड़ा तो अट्रैक्ट करती हैं और लोग इस शॉप में आना ज़रूर पसंद करते हैं. ये शॉप मॉल रोड के स्टार्ट होते ही आ जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएंगी. मीठे की भी यहाँ कोई कमी नहीं है, एक शॉप तो ऐसी है जहाँ पर मीठे की पूरी वैरायटी लगा दी गई है, चाहे बात जलेबी की करें, रस मलाई की या फिर गुलाब जामुन की. और ठंड में इन सब गर्म चीज़ों को खाना अपने आप में बहुत स्वादिष्ट लगता है. ड्राई फ्रूट्स पहाड़ों पर काफ़ी अच्छे मिलते हैं और यहाँ पर थोड़ा रीजनेबल रेट भी हमें देखने को मिला. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर आप जैकेट्स या पुलोवर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं एक यहाँ पर शू मार्केट पूरा है, शू शॉप्स हैं यहाँ पर, आपको वैरायटी ऑफ शूज़ मिलते हैं जो गर्म आपके स्लीपर्स भी होंगे और शूज़ भी आपको काफ़ी सारे मिलते हैं. हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन शूज़ का प्राइस आपको कितना लगता है कि क्या होगा. अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स आगे भी आपके लिए लेकर आते रहें. टिल देन बाय बाय.